हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है शुसमर, आप देख रहे हैं टॉलीवुड रिपोर्टर। बॉलीवुड में बायकॉट का माहौल है, इस देश में बायकॉट का माहौल है। ऐसे में पिक्चरों का आना, उनका हिट होना, उनका फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा सवाल बनकर अब रह चुका है। ऐसे में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म विक्रम वेदा का जो टीज़र है, मोस्ट एंटिसिपेटेड टीज़र है, कल शाम से जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे, ऋतिक के फैंस, सैफ के फैंस इंतज़ार कर रहे थे, वो फाइनली ड्रॉप हो चुका है, हमारे सामने है। और जल्दी से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और अगली वीडियो में बात करेंगे, इसका थोड़ा टीज़र ब्रेक डाउन करेंगे। बट इस वीडियो में जल्दी से रिएक्ट करते हैं कि कैसा है ये टीज़र, क्या जस्टिफाई कर पाएगा ऐसे हॉल में, क्या लोग इसको देखने जाएंगे। जल्दी से ट्रेलर को स्टार्ट करते हैं। ऋतिक सबर और निहाल दोनों से, रोहित सराफ, सैफ अली खान, इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। अरे ऋतिक अडेप्ट कर लेता अपने आपको ना हर रोल में। ओ हो गैंगस्टर, ओ हो बिटवीन गुड एंड इवल, राधिका आप्टे या वो What you choose? अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ये कहानी में तो दोनों बुरे हैं। दोनों बुरे हैं भैया, कौन जीतने वाला है हम सबको पता है। विक्रम वेधा, ओ ये बीजीएम, 30 सितंबर को मूवी रिलीज होने वाली है, मतलब बस एक महीने बाद ये मूवी रिलीज होने वाली है। गाइज ऐसे माहौल में जो फिलहाल माहौल चल रहा है बॉलीवुड मूवीज़ के बायकॉट का, ऑलरेडी इसके टीजर से पहले ही विक्रम वेधा का बायकॉट भी शुरू हो चुका था। एज यू ऑल नो ऋतिक का एक ऐड है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी शब्द बोल दिए जिसके ऊपर लोगों ने बायकॉट कर रहे हैं, जो बायकॉट गैंग है वो एक्टिव हो गया है। अब इस टीज़र आ चुका है, टीज़र के बाद और ज़्यादा एक्टिवनेस जो है बायकॉट गैंग में देखने को मिल जाएगी हमें। बट एज अ फैन, एज अ ऋतिक रोशन फैन, एज अ सैफ अली खान फैन, आप क्या कहेंगे इस टीज़र के बारे में? मैं कहूँ तो स्टोरी हम सबको पता है, रीमेक है विक्रम वेधा का, तो क्या यहाँ पर ऋतिक और सैफ जस्टिफाई कर पाएंगे आर माधवन को और विजय सेतुपति को? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। नो डाउट उनकी एक्टिंग, इन दोनों की एक्टिंग क्या कमाल की है, बट स्क्रिप्ट वी ऑल नो, स्टोरी वी ऑल नो, और जो माहौल चल रहा है ऐसे में न्यू मूवीज़ नहीं आ रही हैं, ये भी एक रीज़न बन सकता है बायकॉट का कि हम सबको पता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, तो ये भी एक रीज़न बनेगा बायकॉट गैंग के लिए कि क्यों हम रीमेक को देखने जाएं जब हम ऑलरेडी एक मूवी पहले देख चुके हैं। फिल्म में हमें ऋतिक रोशन देखने को मिल रहे हैं, सैफ अली खान देखने को मिल रहे हैं, राधिका आप्टे देखने को मिल रही हैं, साथ ही शारिफ हाशमी देखने को मिल रहे हैं और रोहित शराफ देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म की स्टार कास्ट है और विक्रम वेधा 30 सितंबर को आ रही है, लेकिन मेरे मन में तो बहुत बड़ा डाउट यही रहेगा कि क्या ये मूवी देखने लोग थिएटर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि फिलहाल जो माहौल है उसमें तो भैया कोई भी मूवी आ रही है वो रेल पेल हो रही है, उसकी जो बद है वो पिट रही है एक मैं कहूँ तो। एज अ मास एंटरटेनर इस मूवी को देखें और सब कुछ भूल के इस मूवी को देखने जाएं तो ये मूवी हम देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, जैसे हमने कबीर सिंह की थी, वो भी हमें पता था कि अर्जुन रेड्डी का रीमेक है, लेकिन उस मूवी को भी प्यार मिला। शायद उस वक्त जो बायकॉट गैंग वाला सीन था वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो देश का माहौल है वो थोड़ा अलग है, अब जो बायकॉट है वो सारी फिल्मों का हो रहा है और अच्छी अच्छी फिल्में भी उसमें जो है वो डूब जा रही हैं, तो ऐसे में क्या विक्रम वेधा अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहें द डॉलीवुड रिपोर्टर, साथ मेरे मैं हूं इशू समर और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है, घंटे का बटन है, उसको भी दबा देना जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिल जाए सबसे पहले। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।